ये तस्वीरें इस समय हमारे साथ हैं कमलदीप सिंह लाडी, जो कि नगर पालिका इलेक्शन में दूसरे स्थान पर थे, काफ़ी जद्दोजहद की और जीतने की जो है पूरी उम्मीद थी कि कमलदीप सिंह लाडी जो है इलेक्शन जीतेंगे। सत्ता पक्ष के जो है उम्मीदवार रहे हैं। इस समय कमलदीप सिंह लाडी हमारे साथ लाइव, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं सतीश कटारिया, उनके ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं कि जो उनकी मार्कशीट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फर्जी हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। बाकी जो ये डॉक्यूमेंट्स की बात आप कर रहे हैं, देखो इसमें तो साफ जाहिर हो ही रहा है भाई, ये डुप्लीकेट बन के वहाँ से आई हुई है और ये जो बंदा असंध में रह रहा है तो उत्तर प्रदेश में पढ़ने की इनको ज़रूरत क्या थी, ठीक है ना। बाकी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो भी सच है उसका सच्चाई सामने पेश। आपको ऐसा क्यों लगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी हैं? देखो, डाउट हुआ है, डाउट के ऊपर ही सारा काम होता है, जब डाउट हुआ है तो इसलिए। क्या क्या डाउट्स आए आपके सामने? कई डाउट आए भाई, कई जैसे हम बता नहीं ऐसे सकते, तो डाउट होने के बाद ही ये हमने ये काम किया है। तो क्या जो है एक एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ आपने फाइल की है और किस प्रकार से आप न्याय चाहते हैं? देखो, हमने मैंने अकेले ने तो कहीं अप्लाई नहीं की एप्लीकेशन, ये सभी ने जितने भी चेयरमैन पद के कैंडिडेट थे सब ने ये मिल के एप्लीकेशन लगाई है, तो उसका जवाब आएगा, फैसला हो जाएगा जो भी होगा। तो क्या कहते हैं कि क्या जनता के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है या फिर सतीश कटारिया के खिलाफ किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, क्या है मन में? नहीं, षड्यंत्र तो नहीं इसमें कह सकते, ये तो सर्टिफिकेट ही उसका डुप्लीकेट है। तो जनता के साथ धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा हुआ है, संध की जनता के साथ धोखा हुआ है ये। तो खुद मतलब को आप क्या कहेंगे, आगे भी यही करेंगे, फ्रॉड ही करेंगे, संध की जनता के साथ धोखा ही हुआ है। खुद को शाम का भगत के लाने वाले आगे ये करेंगे क्या, धोखा ही करेंगे और क्या करेंगे। कल आपने एक चैनल देखा जिस प्रकार से श्री श्याम के उन्होंने कसम खाई है एक चैनल पर, सोशल मीडिया के चैनल पर, कि ये मेरी जो मार्कशीट्स हैं वो ओरिजिनल है, तो क्या लोग क्या कहते हैं, लोगों के मन में क्या है, क्या दुविधा है लोगों के मन में? देखो, ये जो फैसला आएगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट मिलने से काम नहीं चलता, इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे आंसर शीट है, सेंटर कोर्ट है, आगे पीछे के रोल नंबर होते हैं, जो इसके फीस भरी उसकी स्लिप होती है, और कहाँ इसने एग्ज़ाम दिया, कौन सा रूम था, इसका सुपरिटेंडेंट कौन था, फ्लाइंग भी होती है, वो सारा इनको मेंशन कराना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा मैंने कब कहाँ दिए हैं पेपर, मॉर्निंग में दिए हैं या इवनिंग में दिए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आगे ध्यान में रखी जाएंगी। सतीश कटारिया ये कहते हैं कि हारे हुए कैंडिडेट मेरे पीछे लगे हुए हैं, सभी एक तरफ हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इनको जो है गिराया जाए। देखो, हार जीत तो एक अलग मैटर है, ना तो हम हार से बुखलाए हैं और ना ही हमारे मन में ऐसा कोई वो है बात है। जी जी, हार जीत तो लगी हुई है, हार ये तो जनता है, जनता का फैसला, जनता जनार्दन है, जो उसने फैसला दिया है हम स्वीकार करते हैं, ठीक है जी। तो क्या प्रशासन से क्या मांग है? हमारी तो प्रशासन से, इलेक्शन कमिश्नर से यही डिमांड है भाई, इसका फैसला सही होना चाहिए, जो भी बिल्कुल सच्चाई आनी चाहिए सामने, क्योंकि सप्त ग्रहण भी नहीं हुआ है और सप्त ग्रहण से पहले इतना बड़ा जो है कि बवाल हो जाता है। देखो जी, सप्त ग्रहण तो उन सरकार के हाथ का फैसला है, मेरे हाथ में तो फैसला नहीं है, हमने तो ये रखा भी ये सच्चाई इसमें है क्या, जो इसके डॉक्यूमेंट्स उसकी इंक्वायरी कराओ, पता लगे संघ की जनता को भी पता लगे सच्चा कौन है और झूठा कौन है, और हमारी पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। जी जी, ठीक है ना, जैसे कोई टारगेट बना रहा है, जो करा रही है बीजेपी करा रही है, जी जी। बीजेपी का काम क्या है, तो इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेवारी है, वो कराएंगे, उनकी जिम्मेवारी है। तो कुछ महसूस हुआ कि ये जो है फर्जी है, फिर भी थोड़ा सा पता चल, मेरे मुंह से आप ये ना पूछिए, असंध की जनता को ही पता है, ठीक है ना, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। कमलदीप सिंह लाठी के मन में अभी है कि वो सेवा करना चाहते हैं असंध की? बिल्कुल करेंगे, हमारा तो शुरू से, मेरे फादर टाइम ने भी और हमने भी आगे सारी 1970 में मेरे फादर जब असंध में आए हैं, हम तो शुरू से असंध की जनता की सेवा कर रहे हैं, और मेरे फादर ने तो आपको शायद पता है कि नहीं पता, जी जी जी। मेरे पिताजी ने तो यहाँ से इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस 1987 में कांग्रेस की टिकट से। तो आपके मन में था ये कि मैं चेयरमैन बनूं और सेवा करूं? बिल्कुल, ठीक है। ये थे हमारे द्वितीय स्थान पर रहने वाले कमलदीप सिंह लाडी,
भाजपा के उम्मीदवार थे और सारा जो स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि वो चाहते हैं सच का सच जो है वो सामने आए। बने रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सबसे पहले मैंने शहर की जनता को प्यार भरा नमस्कार, सभी को राम राम जी। देखिए विशाल जी, शहर की जनता ने हमें प्यार भरे वोट देकर चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया है और हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए जी तोड़ प्रयास करेंगे जी। अभी आपके खिलाफ मार्केट में सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आपकी जो तस्वीर के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के कुछ उलझन है, उसके बारे में क्या? देखिए हमारी तरफ से कोई उलझन नहीं है सर, उलझन जिनको है वो देखे, हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, वो सरकार चेक कर ले, जहां बोर्ड से चेक करवा ले, जैसे जिसको तसल्ली होती है वैसे करवा सकते हैं। क्या आपके ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? सर लग तो वैसा ही रहा है, अब जो शहर की जनता नहीं कर रही है ये, अभी शहर की जनता ने मुझसे कोई किसी से मेरे से कोई पर्सनल सवाल पूछा, किसी ने फ़ोन भी किया हो भी, ये क्या है? ये कुछ हारे हुए लोग हैं जो हड़बड़ाहट में हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। देखिए ईश्वर जी, आप सीनियर पत्रकार हो, RTI लगाई होगी लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन ने इस बात को लेके आपको कोई नोटिस भेजा हो? कुछ नहीं भेजा, नहीं भेजा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो क्या लगता सर, ये कोई षड्यंत्र है कोई, जैसे आपको बदनाम किया जा रहा है बेवजह किसी बात को? सर ये तो आप लोग भी समझ सकते हो कि बेवजह से क्यों बदनाम किया जा रहा है। जब मेरे डॉक्यूमेंट्स मतलब SDM ने पास कर दिया, मैंने अपना पर्चा भरा, स्कूटरनी के दिन मतलब मेरे पेपर पास हो जाते हैं, तो अब क्या दिक्कत आ गया है? ऐसी तो बात नहीं है कि सरकार मतलब उसको चेक नहीं करवाती। क्या लगता है कैंडिडेट की हारने की बौखलाहट के कारण ये कर रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके डॉक्यूमेंट ओपन किए जो वो जो आदमी ऐसी बातें कर रहे हैं उनका वोट बैंक देखिए क्या है, ठीक है जी, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। चेयरमैन साहब, इस प्रकार स्कूटनी के लिए भी समय दिया जाता है, चुनाव आयोग ने स्कूटनी कर ली है, पेपर जांच करने के बाद आपको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, आपने चुनाव लड़ा और जनता ने वोट देकर आपको चुना, सब कुछ पारदर्शिता से हुआ, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसी प्रकार के आपके निजी दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर करना, बिना किसी तथ्यों के आधार पर कहना कि ये गलत है, कहीं ना कहीं आपकी छवि पर ठेस पहुंची, ऐसे लोग कहीं ना कहीं असंध की जनता का अपमान करें, उनके जनता जनार्दन का आदेश का अपमान करें, आपको लगता है? देखिए विशाल जी, सबसे बड़ी जो गलती है, आप लोग पत्रकार हो, आपको ज़्यादा पता भी है, क्या कोई आदमी, कोई भी अफसर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, किसी के निजी दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल कर सकता है? इस चीज़ का मेरे को आप सवाल, हालांकि आप सवाल पूछते हो लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को इसका जवाब का पता होगा या जिससे आप बाइट लेते हो, जिससे उससे एक बात का आप लोगों ने पता करना है कि क्या किसी भी व्यक्ति के, निजी व्यक्ति के, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उसके निजी डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल कैसे कर सकता है? अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वायरल कर दिए, अगर कल को कुछ हानि हो जाती है मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, मेरे बैंक अकाउंट के साथ या मेरी फैमिली ID के साथ छेड़खानी हो जाती है, आप लोगों को पता है कि फैमिली ID खराब हो जाती है, ठीक नहीं होती, लोग सालों साल धक्के खा रहे हैं पीछे जी, अगर मेरी फैमिली ID के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा सर? कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? जो एक्शन होगा बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल एक्शन लेंगे जी, बिल्कुल एक्शन लेंगे, एक सामान्य व्यक्ति के नहीं कर सकते। और अब तो मैं शहर की आशीर्वाद से, परमात्मा की दया से चेयरमैन की कुर्सी पे हूँ, चलो शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स, हर एक डॉक्यूमेंट्स वायरल कर दिए। किस अफसर ने ये कर रहा है, मैं उसकी भी जानकारी मतलब उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन करूंगा और इसकी पूरी कार्रवाई चाहूंगा जी मैं प्रशासन में। आपको ये भी लगता है कि शहर के विकास के मुद्दे और उसे ध्यान हटाने की कोशिश है? जी बिल्कुल 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 यही है, क्योंकि हम विकास के लिए आगे आए हैं ईश्वर जी, और विकास कार्यों के करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है, ये वो सोचते हैं कि इनको पहले ही उलझा देते हैं, विकास की तरफ तो इनका ध्यान जाए ही ना, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे विकास की बात की अभी आपने, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने सद के विकास के लिए अभी तक कोई माइंड, कोई ब्लूप्रिंट आपके माइंड में अभी? जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए सर, वो हम एक शब्द ग्रहण के बाद रोड मैप तैयार करेंगे हर चीज का, हमने क्या करना है, कैसे करना है, कितने हमारे पास पैसे हैं,
अभी मैं उससे पहले कैसे कर सकता हूँ बगैर जानकारी के? अब सपोज कीजिए नगर पालिका में पैसे पड़ा 1 करोड़ में 5 करोड़ का टारगेट पहले ही बना के बैठ जाऊँ, उसका क्या फायदा? बिल्कुल खरा उतरेंगे जी, 100% खरा उतरेंगे जी। एक सवाल है मेरा भी, हाँ जी भाई, नगर के अंदर चर्चा चली हुई, अभी आप भाजपा में जाने के लिए तैयार है क्या, ऐसी कोई है आप? देखिए अंकल जी, मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जैसा शहर की जनता की राय होगी, जैसा मेरे सपोर्टर हैं जो जो दिन रात मेरे साथ चल रहे हैं, 300 से 350 लड़के थे, आप लोगों ने देखा भी है, देखिए जैसा उनका विचार होगा उसके अनुसार ही मैं आगे चलूँगा जी। मैं अकेला कुछ नहीं कह सकता, मैं चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। पूरे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मेरे भाइयों ने मेरा सहयोग किया है, जिन्होंने मेरा साथ दिया दिन रात, जो मेरे साथ खड़े थे, उनके मतलब मान सम्मान के बगैर मैं कुछ ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। एक चैनल पर श्याम बाबा की आपको कसम दी जाती है, इतना प्रेशर क्यों डाला गया? क्या लगता है? देखिए गलत है, अधिकार उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ऐसा प्रश्न करना था, प्रेशर डालना। देखिए विशाल जी, दिलबाग जी, मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में, मेरे को ये भाई पत्रकार कितना प्रेशर बना देते हैं, हालांकि मैं लाइव था, अगर मैं उस चीज़ का ना जवाब दूँ तो आप लोग ही कह देते, जनता कह देती कि ये गलत है, बोल देते ना उसी टाइम, आप भी बोल देते ये गलत कर दिया इसने, ये झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है। कसम खिलाना, लेकिन कसम खिलाना तो गलत है, दस्तावेज मान लीजिए आपके ठीक है, हाँ जी हाँ जी, तो सच्चाई वो सामने आ जाए, बिल्कुल आ जाने चाहिए। अब एक बार था उसने कसम खिला ली, क्या मेरे दस्तावेज सही हो गए? बिल्कुल, या तो वो बोलती, देखिए मेंटली हरासमेंट किया उसने, कि वो बार बार से रिपीट किया जिसको मानने था, मैंने उसको बोला भाई आप गलत कर रहे हो ये, ठीक है, लेकिन उसने मेंटली हरासमेंट करके मेरे को वो कर दिया क्या? या तो वो ये बात साबित कर दे कि आपने कसम खा ली, सर जी आपके तो सारे कागज चौके हैं, अब आपकी आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, तो या उसने वो भी कुछ नहीं किया। हाँ जी, आपने दबाव में कसम, दबाव में कसम खाई, लाइव चलाओगे तो आप कोई बात कहोगे तो क्या करेगा सर? मतलब कसम उठा रहे थे, कोई झूठ या सच साबित नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर, आप सभी को पता है कानून है हमारे देश में, लोकतंत्र जिंदा है जी, तो सब काम होते हैं, ये कसम में तो एक हरासमेंट करने के लिए कर देते हैं। पसंद की जनता के लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल चेयरमैन साहब, एक इंप्रेशन जोड़ना चाहेंगे, कुछ लोग सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो या जो आपके जिन्होंने आपके विपक्ष में चुनाव लड़ा, वो कहीं ना कहीं शहर के अंदर इस प्रकार की जानकारी डालकर लोगों के मन में अफवाह डाल रहे हैं। क्या आपका मानना है कि आप लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, जनता ने आपको चुना है, 5 साल के लिए चुना है और लोकतंत्र के तहत आप अपना कार्य करेंगे और जनता के हित में काम करेंगे? देखिए विशाल जी, बिल्कुल करेंगे, हमें लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है, हमारे देश के कानून पर, संविधान पर पूर्ण विश्वास है और हम उसके तहत ही चलेंगे, हाँ जी, उससे अलग कुछ नहीं करेंगे और जनता के विकास के लिए जो संभव कदम हो सके हम जरूर उठाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके जो बारे में बातें की जा रही है? देखिए दिलबाग जी, मैं संघ की जनता से अपील करता हूँ कि जो भी अफवाहें आप सुन रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ साथी कह रहे थे कि भाई काफ़ी दिन हो गया ये अफवाहें चल रही है, आप आगे नहीं आ रहे, तो आगे तो मैं तब आऊँ ना जब मेरे पास कोई मुद्दा आए। अब कल आप लोगों ने लाइव चला दिया, उसमें आपने फ़ोन किया, शाम को वो माता जी ने अपना फ़ोन किया, तो मेरा आने का तो मकसद अब है ना, पहले मैं किसको सफाई देता फिर हूँ? तो प्रशासन के साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जी, जनता ने जो आपके ऊपर विश्वास किया है, हाँ जी हाँ जी, उस पर खरा उतरे हैं, बिल्कुल खरा उतरे हैं जी, हम 100% जनता के विश्वास पे खरे हैं और जनता ने हमें वोट रूपी आशीर्वाद देकर हमें बनाया है और हम उनके पूरा खरा उतरेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने करीब 36 साल की उम्र में जाके वो भी यूपी के बोर्ड से आपने 10वीं पास की जी जी, तो हरियाणा बोर्ड भी तो था, उसमें क्यों नहीं आपने विश्वास? सर वो अपनी चूज है, अब आपने पता नहीं कहाँ से क्या किया है तो उसका कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है सर, मैं चलो बधाई देता हूँ, जो लोग विदेश से पढ़ के आते हैं उसका मतलब तो अनपढ़ है भारत में, जो विदेश से पढ़ के आते हैं वो तो अनपढ़ है फिर भारत में, जब हमारे भारत की डिग्री भारत में नहीं चल रही तो वो क्या करेंगे सर? हरियाणा में 3 यूनिवर्सिटियां हैं, हाँ जी ओपन है, यूपी ओपन है, जिस बोर्ड से आपने एजुकेशन ली है 10वीं की, अकॉर्डिंग टू रूल जो चुनाव आयोग की लिस्ट है उसके अंदर वो बोर्ड एलिजिबल है ही नहीं सर, वो देखिये सरकार का काम है पता, जब मैंने भरा तो मेरा भी तो फॉर्म भरा गया होगा कहीं से, तो मैंने किया होगा क्या, मैं ऊपर से मेरी डिग्री टपक गई जी, हाँ उस दौरान भी हो जाता, ऑनलाइन शो कर रहा है, सभी दिखा रहे हो आप, बिल्कुल दिखा रहे हो, तो बोर्ड कहाँ गया वो होगा जी, उसके बाद कहाँ गया कैसे गया? देखिए 2017 की बात है, 18 में हुआ था,
उसके बाद सर 4-5 साल तो लगभग हो ही गए हैं, तो देखिए उसके बारे में या तो बोर्ड ज़्यादा जवाब दे सकता है और या सरकार कुल मिलाकर आपको ये लगता है प्रेशर बनाया जा रहा है हरासमेंट जी? मेरे हिसाब से प्रेशर बनाया जा रहा है हरासमेंट के लिए, उससे अधिक कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।